आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्काईवे मेट्रो ट्रेन के ऊपर। दोस्तों, आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था स्काईवे मेट्रो ट्रेन को लेकर, या ये बोला जाए कि आप सभी का स्काईवे को लेकर जो एक कन्फ्यूजन है, या इसके प्रति जो आपके अंदर जो नेगेटिविटी भर चुकी है, उसको आज हम इस वीडियो में क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको स्काईवे मेट्रो ट्रेन को लेकर किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना है, ना ही आपको अपने अंदर इसके प्रति कोई नेगेटिविटी लाना है। दोस्तों, स्काईवे मेट्रो ट्रेन का काम दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और देखा जाए तो दुबई के अंदर इसका काम बड़ा ही जोर शोर से दोस्तों आगे बढ़ रहा है। केवल और केवल हम और आप लोग पैनिक हो जाते हैं, हमें प्रॉपर तरीके से इसकी जो अपडेट है वो नहीं मिल पाती है। इस वजह से दोस्तों हम लोग क्या होते हैं, सैड हो जाते हैं। तो भाई, आपको यहाँ पर सैड नहीं होना है, आपको स्काईवे मेट्रो ट्रेन को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्ट हल्का नहीं है, प्रोजेक्ट है बड़ा। और दोस्तों, ये एक कंट्री में नहीं लगना है, इसे 200 प्लस कंट्रियों में दोस्तों इस प्रोजेक्ट को लगना है। इसीलिए भाई ये थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा, इसमें समय लग सकता है, आप लोग अपने पेशेंस को बना के रखिए। यहाँ पर आप लोग ये बोलेंगे कि हर बार यही बोला जाता है कि पेशेंस को बना के रखिए। दोस्तों, आप लोगों ने इसके जो प्री IPO शेयर लिए हैं, तो दोस्तों आने वाले समय में जब इसकी पूरी की पूरी जो 15 स्टेजें यहाँ पर बनाई गई थी, ये जब तक पूरी ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक दोस्तों इसके बारे में कुछ कह पाना असंभव है। क्योंकि इसकी पूरे तरीके से जब तक स्टेजें ख़त्म नहीं हो जाती हैं, तब तक दोस्तों इसका जो IPO शेयर है वो कब IPO में तब्दील होगा, ये दोस्तों बाद की बात है। लेकिन यहाँ पर अभी करंट की हम बात करें तो स्काईवे का जो अभी स्टेज है वो 14.2 के आसपास इसका जो स्टेज है दोस्तों वो चल रहा है। यानी दोस्तों, ये लास्ट स्टेज में अभी इसका प्री IPO शेयर जो है वो अभी आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा एक और सवाल उठता है, यहाँ पर जो नए लोग होते हैं वो बार बार कमेंट करते हैं कि सर, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। दोस्तों, मैं केवल वीडियो बनाता हूँ एक एजुकेशन पर्पज़ से। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कोई भी प्रोजेक्ट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, उसकी अच्छे से प्रॉपर तरीके से रिसर्च करें, एनालाइज करें, और दोस्तों जो भी इन्वेस्टमेंट करें आप अपने स्वयं की रिस्क पर करें। यहाँ पर किसी के कहने या ना कहने से एक भी रुपया आपको नहीं लगाना है। दोस्तों, इसके ऊपर आप सभी को पैसा आपको लगाना है, तो स्टडी भी आपको करना पड़ेगी। दोस्तों, इसमें आप किसी के ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकते कि आपने बोला था या किसी ने और बोला था। दोस्तों, इसके ऊपर सारी रिसर्च आपको करना पड़ेगी, तब आपको इसके प्री IPO में इन्वेस्टमेंट करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर एक भी रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दोस्तों, अब हम दोस्तों थोड़ी सी फोकस डालेंगे इसके अपडेट के ऊपर। दोस्तों, ये 200 प्लस कंट्रियों में इसका प्रोजेक्ट दोस्तों लगने जा रहा है, और इसमें लगभग हम इन्वेस्टर की बात करें तो 4 लाख प्लस इसमें इन्वेस्टर जो है दोस्तों बन चुके हैं, और इसमें ये पूरा काम जो है दोस्तों वो संभव हो पाया है क्राउड फंडिंग की जरिए। यहाँ पर दोस्तों जब भी कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, या जब भी कोई भी बड़ी कंपनी होती है, उसके पास जब फंड अवेलेबल नहीं होता है तो वो क्राउड फंडिंग के जरिए फंड को इकट्ठा करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनके बदले में उनको इसमें पार्टनरशिप दी जाती है, यानी दोस्तों इसमें हिस्सेदारी, यानी आपको शेयर होल्डर बनाया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों स्काईवे मेट्रो ट्रेन में आप लोगों को बनाया गया है, पार्टनरशिप दी गई है, इसमें आप इसके शेयर होल्डर हैं। तो इसमें दोस्तों अभी तक हम बात करें तो इसमें तकरीबन $240 मिलियन का इन्वेस्टमेंट दोस्तों हो चुका है।
अब दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया है तो ये दोस्तों कंपनी की जेब में पैसा गया है, ये हम मानते हैं। बट यहाँ पर इनका जो प्रोजेक्ट लगने जा रहा है हर कंट्रियों में, तो उसमें भी दोस्तों जो खर्चा है वो होगा, लेकिन इससे जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो दोस्तों डिविडेंड के तौर पर जितने भी इसके शेयर होल्डर होंगे उनको यहाँ पर बांटा जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग मेरी बात को बड़े गौर से और अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोस्तों आपको इस प्रोजेक्ट को लेकर बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आज भी हमारा प्रोजेक्ट जो है रनिंग में है, काम कर रहा है दोस्तों। और आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट करके आप इसे पूरा इसको जो इसकी अपडेट है दोस्तों वो ले सकते हैं। स्काईवे कैपिटल पे आप जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आखिर में स्काईवे मेट्रो ट्रेन के अंदर या इसके इस प्रोजेक्ट में क्या प्रोसेस हो रही है। दोस्तों इसकी न्यूज, इसका हर मीटिंग, वेबिनार, आपको सारा अपडेट आपको इस वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। लीगल वे में इसके पूरे लीगल डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे दोस्तों। आपको जो भी डिसीजन लेना है पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पहले इसको एनालाइज करिए, आप इसे पूरे तरीके से चेक करिए, तब आपको दोस्तों स्काईवे में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है दोस्तों, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर केवल दोस्तों हमारा काम होता है कि आपको कंटिन्यू वे में अपडेट से रूबरू कराने का हमारा उद्देश्य होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं किसी प्रकार से आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप इसमें इतना पैसा लगाइए या इसमें आप इतना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ये एडवाइजर दोस्तों मैं नहीं देता हूँ। तो आप लोग मेरी बात को दोस्तों समझ चुके होंगे, और दोस्तों आप लोगों को लगता है बिलीव है इसमें स्काईवे मेट्रो ट्रेन के ऊपर, तो आप लोग बिलीव रखिए, विश्वास रखिए। और ये प्रोजेक्ट दोस्तों कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि ये आया और बाद में ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्ट आज रनिंग में है। आप लोगों ने इसकी सारी वीडियो जो है लाइवली देखी होंगी, और इसका आप सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इनकी सारी अपडेट दोस्तों आप वहां से ले सकते हैं कि कितने स्पीड से इसका जो कार्य है दोस्तों वो बढ़ रहा है आगे की ओर। तो दोस्तों हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, इसी प्रकार की कोई भी नई अपडेट आती है तो उसको लेकर दोस्तों हम बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।